खबर उड़ी हुई है कि सभी के मोबाइल में एक वायरस आया हुआ है। UIDAI के नाम से एक नंबर अपने आप सेव हो गया जो कि वायरस है। ये न्यूज़ बहुत वायरल हो रही है, लोग बहुत परेशान हैं, मैसेज फॉरवर्ड किए जा रहे हैं, सभी लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है। तो मैं आपको बता दूं, दरअसल ये कोई वायरस नहीं है जी, ये कोई वायरस नहीं है। दरअसल गूगल ने स्पष्ट किया है कि वो सारे मोबाइल फ़ोन्स जो कि 2014 में इन्होंने अपना सॉफ्टवेयर जो अपडेट किया था उसमें ये UIDAI नाम का UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसका टोल फ्री नंबर उसमें सेव किया गया था। तो जिन कंपनियों को सॉफ्टवेयर दिया गया था उनके साथ ये कंपन ऑटोमेटिकली ये नंबर ऑटोमेटिकली इसमें सेव हो रहा है। और अगर आप गूगल से सिंक करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप फ़ोन चेंज करते हैं वो नंबर आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव हो जा रहा है। तो ये गूगल अपने कुछ आने वाले समय में इसको सही कर लेगा, तो इसमें आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये UIDAI का पुराना नंबर जो कि आप काम नहीं कर रहा उसकी जगह कोई दूसरा नया नंबर आ चुका है, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं। कोई वायरस नहीं है जो इस तरह की लोग फैला रहे हैं कि वायरस है, इससे आपका फ़ोन ख़राब हो जाएगा, आपके कॉन्टैक्ट डिलीट हो जाएंगे, आपकी जानकारी हैक कर ली जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर की एक इशू है जो कि गूगल ने कहा अगले कुछ समय में इसको सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। तो इस तरह की छोटी सी जानकारी आप लोग आपस में शेयर कीजिए ताकि ये कोई भ्रांति ना फैले और लोग परेशान ना हो। मैं इस तरह की वीडियो लाता रहता हूँ, जानकारी पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आप आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, बाय बाय।